इस वीडियो में हम सीखेंगे लाइक एंड अनलाइक डेसिमल नंबर्स के बारे में। लाइक एंड अनलाइक डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे अगर आपको याद हो तो फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शंस होते थे, जैसे 3/10 है और 4/10 है, तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स सेम हैं। और अनलाइक यानी डिनोमिनेटर्स मुख्तलिफ होना, जैसे 3/2 और 4/7 क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स मुख्तलिफ हैं। तो इसी तरह से क्योंकि डेसिमल नंबर्स फ्रैक्शन से ही आते हैं, तो डेसिमल नंबर्स में भी लाइक और अनलाइक डेसिमल नंबर्स होते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे लाइक डेसिमल नंबर्स के बारे में। लाइक डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके पॉइंट के बाद डिजिट्स की तादाद बराबर हो। एक मिसाल के ज़रिए इस बात को समझते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक नंबर है, डेसिमल नंबर 2.32, और एक और नंबर है 623.79। अब अगर हम इन दोनों नंबर्स को देखें तो जो डेसिमल पॉइंट है, ये डेसिमल इसके बाद यहाँ पे है 1, 2 डिजिट्स, और इसमें क्या है डेसिमल के बाद 1, 2 डिजिट्स की तादाद 2 हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? लाइक डेसिमल्स हैं। इनमें हमने पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स की तादाद को नहीं गिनना, सिर्फ पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स की तादाद बराबर होने चाहिए, तब वो कहलाएंगे लाइक डेसिमल्स। एक और मिसाल देखते हैं। कुछ मिसालें लेंगे लाइक डेसिमल नंबर्स की, जैसे कि 24.032 लाइक डेसिमल है किसके साथ? 56.237, और इसी तरह से 93.105। ये सारे क्या हैं? ये सारे लाइक डेसिमल्स हैं क्योंकि इनके डेसिमल के बाद 1, 2, 3, इसमें 3 डिजिट्स हैं, इसमें भी 3 डिजिट्स हैं, और इसमें भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, इसलिए ये तीनों क्या हैं? लाइक डेसिमल नंबर्स हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अनलाइक डेसिमल नंबर्स के बारे में। तो अनलाइक डेसिमल नंबर्स कौन से डेसिमल नंबर्स होते हैं जिनके पॉइंट के बाद डिजिट्स की तादाद सेम ना हो? मिसाल के तौर पे 11.07 एक डेसिमल नंबर है, तो इसके साथ अनलाइक डेसिमल नंबर होगा 11.3। ये दो अनलाइक डेसिमल नंबर्स की मिसालें हैं। क्यों हैं अनलाइक? क्योंकि इसके पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट है। इसी तरह अगर हम एक और मिसाल देखें तो 713.50 एक डेसिमल नंबर है और इसके साथ अनलाइक डेसिमल नंबर है 432.5। क्यों अनलाइक है? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 102 डिजिट्स हैं, 540, और यहाँ पे पॉइंट के बाद डिजिट की तादाद है 1, तो इसलिए ये दोनों भी क्या हैं? अनलाइक डेसिमल नंबर्स हैं। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे, आइडेंटिफाई लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। हमने लाइक और अनलाइक डेसिमल्स को आइडेंटिफाई करना है, यानी देखना है, और लाइक डेसिमल्स के नीचे यहाँ पे एक जैसे लाइक डेसिमल्स को लिखना है और अनलाइक डेसिमल्स के नीचे अनलाइक डेसिमल्स को लिखना है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स को हम अलग अलग लिख सकें।
सबसे पहले देखते हैं 0.41, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं और अब हम इसके साथ वाले सारे लाइक डेसिमल्स को लिखेंगे। लाइक डेसिमल्स कौन से होते हैं? जिनके डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स की तादाद बराबर हों। तो ये 0.41, इसके बाद और कौन से हैं जिसके पॉइंट के बाद डिजिट्स की तादाद 2 हो? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे है 1, 2, यहाँ पे डिजिट्स की तादाद 2 है, तो इसके साथ लाइक डेसिमल होगा 11, इसको पढ़ेंगे 147.11, पॉइंट के बाद आपने 11 नहीं पढ़ना। उसके बाद है 33.21, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो ये भी यहाँ पे लिख लेते हैं 33.21, ये भी इनके साथ लाइक डेसिमल है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये है 9.5, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसका मतलब ये इसके साथ लाइक डेसिमल नहीं है। तो अब हम उसको अनलाइक डेसिमल्स को देखते हैं। यहाँ पे पीछे बचा 9.003, 9.003, अब इसके साथ अनलाइक डेसिमल कौन सा है? 9.5, क्योंकि इन दोनों में पॉइंट के बाद डिजिट्स की तादाद बराबर नहीं है, तो 9.003 और 9.5 दोनों अनलाइक डेसिमल नंबर्स हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा लाइक एंड अनलाइक डेसिमल नंबर्स के बारे में।